Hello students, welcome back to Python. In this session, we will see how to update complex objects in binary file which are written using Pickle module. तो यहाँ पर CBSE ने introduce किया है Pickle module in file handling in class 12. So updation in binary file is one of the important program. So let's see its program code with output. हमें किस तरह से अपडेट करना है पिकल मॉड्यूल के थ्रू. हम लोगों ने डेटा रीड और राइट किया है, डंप और लोड मेथड इसका यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में डेटा का अपडेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक अपेंड बाइनरी मोड में फाइल ओपन की है, एक लूप चलाया है जिससे कि आप बार बार अपने डेटा को एंटर करा सकेंगे यूजर से. और एक यहाँ पर ब्लैंक मीन्स एम्प्टी एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट लिया है एसक्यू के नाम से. और ये डेटा एंटर कराने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे और ऑब्जेक्ट फॉर्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको पिकल से डंप कर देंगे. और डंप करने के बाद हम यहाँ पर यूजर से दोबारा से चॉइस ले लेंगे कि डू यू वांट टू एंटर मोर ऑब्जेक्ट्स और नॉट. और फाइल को क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे. डेटा किसी भी पर्टिकुलर रोल नंबर की बेस पे अगर आपको अपडेशन करना है तो मैंने यहाँ पर रीड बाइनरी मोड में इसको ओपन किया है. और मैंने यहाँ पर यूजर से सबसे पहले रोल नंबर एंटर कराया है जिस रोल नंबर के बेस पे आपको रिकॉर्ड को सर्च कर उसके मार्क्स को अपडेट करना है. तो यहाँ पर मैं रोल नंबर के बेस पर डेटा यानी आपके ऑब्जेक्ट को सर्च करूंगा और उसके बाद फिर यहाँ पर फिर उसको अपडेट करेंगे. तो हर एक डेटा को यहाँ पर रीड करने से पहले मैं यहाँ पर फाइल पॉइंटर से यानी कि जो टेल फंक्शन है और टेल फंक्शन से मैं यहाँ पर उसकी पोजीशन लूंगा और पोजीशन लेने के बाद फिर मैं अपने डेटा को रीड करूंगा लोड मेथड से. तो एक ऑब्जेक्ट मेरा जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा डेटा के अंदर आएगा. उससे पहले मैंने उसकी पोजीशन ले चुका हूँ. इसका मतलब ये होगा कि पहले ऑब्जेक्ट को जब हम रीड करेंगे उससे पहले मैंने जो पोजीशन ली है वो मुझे 0 byte मुझे रीड कर बता देगा. और रीड करने के बाद वो फिर उस ऑब्जेक्ट की जो एंड पोजीशन होगी जो एंड बाइट होगी उस ऑब्जेक्ट की साइज के अकॉर्डिंग वो मुझे वहां पर कर्सर को वहां पे वो फिर प्लेस कर देगा उस ऑब्जेक्ट को रीड करने के बाद. तो मैंने यहाँ पर आपके एंटर्ड रोल नंबर को मैंने चेक किया. अगर वो रोल नंबर मैच कर जाता है तो मुझे यहाँ पर न्यू मार्क्स मुझे यहाँ पर यूजर से एंटर कराने और उस मार्क्स को मुझे उस न्यू ऑब्जेक्ट में सेट कर देना है. और सेट करने के बाद उसे राइट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट की बिगनिंग पोजीशन पे जाना पड़ेगा जो कि मेरा पोजीशन POS के नाम के वेरिएबल के अंदर सेव है. तो उसकी पोजीशन में मैंने पहले ही सेव कर ली थी क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को रीड करने से पहले की पोजीशन मैं वहां पर सेव कर चल रहा हूँ. तो जिस ऑब्जेक्ट में भी मुझे डेटा को अपडेट करना होगा उसके कर्सर को मुझे पहले उस ऑब्जेक्ट के बिगनिंग पर मुझे प्लेस करना होगा, उसके बाद फिर मैं डेटा को राइट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने पहले सीक फंक्शन यूज किया है पोजीशन पर प्लेस करने के लिए फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फाइल और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पिकल से उसको डंप कर रहा हूँ. तो डेटा राइट करने से पहले आपको कर्सर को बिगनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में लेकर जाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. और उसके बाद फिर आप यहाँ पर कोई भी मैसेज दे सकते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली कर और फिर यहाँ पे आप फाउंड नॉट फाउंड के लिए F0 और 1 चेंज कर ब्रेक कर सकते हैं. एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए अगर एंड ऑफ फाइल एरर अगर आता है तो ब्रेक कर देंगे. और बाहर निकल कर चेक करते हैं अगर एफ की वैल्यू 0 अगर रह गई है यानी कि अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई. अगर इफ कंडीशन ट्रू होती तो एफ की वैल्यू 1 हो जाती, बट अगर इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो आप बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड. तो अभी यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड में अपडेशन कर लिया और रिकॉर्ड में अपडेशन करने के बाद अब मैं इस फाइल को क्लोज करने के बाद फिर से फाइल को ओपन करूंगा और मैं चेक करूंगा कि अब जो आपके जो अपडेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो आपको क्या शो कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया फिर से रीड मोड में और व्हाइल लूप चलाकर मैंने फिर से ट्राई कैच यूज कर पिकल से एक एक ऑब्जेक्ट को रीड किया और देखते हैं कि अब यहाँ पर अपडेटेड जो डेटा है वो आपको यहाँ पर शो होता है या नहीं होता. तो ये हमारा एंड ऑफ प्रोग्राम है. फाइल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आकर अब हम लोग चलते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए और देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है. तो सबसे पहले रन करते हैं. तो यहाँ पर कुछ डेटा एंट्री करनी है. मैंने यहाँ पर लिखा एक स्टूडेंट का नाम दीपक, उसका रोल नंबर 1 और 78 उसके मार्क्स मैंने एंटर कर दिए. यस, अगेन एक और नाम एंटर कर देते हैं, से गगन, रोल नंबर 2 के संग और इसके मार्क्स 88 एंटर कर देते हैं. वाई, फिर से एक और नाम एंटर करते हैं,
प्रदीप के नाम से, और फिर से रोल नंबर 3 और इसके 77 मार्क्स अपडेट एंटर कर देते हैं। फिर से एक और नाम एंटर करते हैं रवि के नाम से, रोल नंबर 4 और इसके मार्क्स 85 एंटर कर देते हैं। और इसके बाद फिर हम अपनी एंट्री के लिए नो कर देते हैं, नो मोर रिकॉर्ड्स वी वांट टू एंटर नाउ। तो यहाँ पर रोल नंबर एंटर करते हैं से 3, जिसमें आपको मार्क्स को अपडेट करना है। तो अभी रोल नंबर 3 के जो मार्क्स हैं वो 77 वो शो कर रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर अपडेशन जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 100 मार्क्स के साथ, मैं 77 को रिप्लेस कर 100 करना चाहता हूँ। तो देखते हैं अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो रोल नंबर 3 जो था प्रदीप का, यहाँ पर देखिए रोल नंबर जो 3 था प्रदीप का 77 के संग, वो अब यहाँ पर रोल नंबर 3 जो है वो 100 मार्क्स जो है वो उसने अपडेट कर शो कर दिए। तो ये एक सिंपल मेथड था जहाँ पर आपने टेल फंक्शन और सीक फंक्शन का यूज किया था अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। और यहाँ पर आपको पोजीशन को कई बार चेंज करना पड़ता है, उस पोजीशन को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो टेल और सीक यहाँ पर यूजफुल फंक्शंस हैं, तो जहाँ पे आप लोग फाइल में आप डेटा का अपडेशन कर सकते हैं।